तहफ्फुज़े दीन का कारवां वादा उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। आज जो खबरें अखबारों में आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं और यही पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है और डिप्टी चेयरमैन ने बहुमत को नकार कर ध्वनिमत को वरीयता देते हुए गैर कानूनी ढंग से किसान विरोधी बिल पास किया है। और आज जो खबर आई इंडियन एक्सप्रेस की उसको आप देखिए तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि त्रिची शिवाजी जो डीएमके के माननीय सांसद हैं और के राजेश जी जो माननीय सांसद हैं सीपीएम के, इन दोनों सांसदों ने अपनी सीट से वोटिंग की डिमांड की है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वोटिंग चाहिए वोटिंग चाहिए और ये कैमरे में कैद हुआ है, ये राज्यसभा की टीवी से जो प्रसारित हुआ था उसमें कैद हुआ है। तो इसलिए अब ये गैर कानूनी बिल महामहिम राष्ट्रपति जी को साइन नहीं करना चाहिए और मोदी सरकार को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि अल्पमत में रहने के बावजूद बीजेपी सरकार ने ध्वनिमत से जबरन लोकतंत्र का गला घोट के ये बिल पास कराया। तो मुझे लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, टीवी के फुटेज भी आ चुके हैं और अखबारों में खबरें भी आ चुकी हैं और साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि दो सांसद अपनी सीट से वोटिंग मांगने के बावजूद वोटिंग नहीं कराई गई और लोकतंत्र का गला घोटा गया। मुझे बहुत अफसोस है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं रविशंकर प्रसाद जी की, वो देश के कानून मंत्री हैं और उन्होंने भी सरकार के दबाव में आके झूठ बोला और कहा कि किसी सांसद ने वोटिंग नहीं मांगी, किसी सांसद ने अपनी सीट से डिवीजन नहीं मांगा। अब तो प्रमाण आ गया, अब कानून मंत्री जी क्या कहेंगे, अब देश के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, अब तमाम वो मंत्री जिन्होंने आके सरकार के पक्ष में बयानबाजी की वो क्या ये क्या कहेंगे, अब तो इनका काला चेहरा बेनकाब हो चुका है पूरे देश के सामने। इसलिए साथियों को भी और जो बाकी लोग हैं उनको हम लोग इस मुद्दे पर इकट्ठा करेंगे, जो हमारे पार्लियामेंट के साथी हैं अपोजिशन के, और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे क्योंकि अब सच के साथ प्रमाण के साथ जो पहले दिन से मैं चीजें कह रहा हूं वो सामने आ गई हैं कि वोटिंग मांगी गई, सांसद अपनी सीट पे थे, बावजूद इसके वोटिंग नहीं कराई गई और जबरन बिल पास किया गया।